के सदर कोतवाली अंतर्गत कटी बगिया मोहल्ले वासियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उसी मोहल्ले में किराए पर रह रहे एक युवक पंकज ने मकान मालिक के 8 वर्षीय बच्चे को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। बच्चे ने अपनी मां से आपबीती सुनाते ही मोहल्ले वासियों ने आरोपी को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराने के बाद आरोपी पंकज को जेल भेज दिया है। पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली के कटी बगिया नहरिया मोहल्ले का है, जहां कल शाम 8 बजे एक युवक के द्वारा एक मासूम के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे ने दर्द होने पर मां को आपबीती सुनाई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और आरोपी युवक को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। वहीं मासूम की मां ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराया और आरोपी पंकज का मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया। बात नहीं।